प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रात को खुले मैदान में सो रहे राजस्थान के बेरोजगारों की सोशल मीडिया पर वायरल फोटो ने रविवार को प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया। बेरोजगारों के सहारे पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया और गुलाबचंद कटारिया ने प्रियंका गांधी और सीएम अशोक गहलोत पर सीधा हमला बोला है। उधर सीएम अशोक गहलोत ने बेरोजगारों के नाम पे की जा रही राजनीति पर तीखा प्रहार किया है और कहा कि युवाओं को पढ़ाई करनी चाहिए। यूपी क्यों गए हैं? क्या मोदी जी योगी जी नौकरी देंगे? युवाओं को केसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। प्रदेश के बेरोजगार कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात करने और नौकरियों से जुड़े मुद्दे पर मिलने के लिए लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर है। उधर प्रियंका गांधी के सवाई माधोपुर पहुंचते ही यह मामला और भी चर्चा में आ गया। सीएम गहलोत ने बेरोजगार युवाओं के नेताओं के भी नाम लिए बगैर कहा कि बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं, इन्हें बीजेपी या कांग्रेस से टिकट चाहिए और राजनीति करना ही मकसद है। बेरोजगार नेता इनके चक्कर में नहीं आने चाहिए। युवा पढ़ाई करें क्योंकि राज्य सरकार ने नौकरियों के द्वार खोल रखे हैं। मेहनत करने पर नौकरी प्राप्त होगी। बेरोजगारों के साथ में लखनऊ कांग्रेस कार्यालय में धक्का मुक्की होने को लेकर भाजपा नेता बेरोजगारों के पक्ष में उतर आए हैं। तो वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि हताश युवा अब लखनऊ में प्रियंका गांधी से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे हैं। इसी तरीके से केंद्र मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, किरोड़ी लाल मीणा, दिया कुमारी, गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौर, वासुदेव देवनानी, रामलाल शर्मा, राजपाल सिंह शेखावत सहित कई भाजपा नेताओं ने बेरोजगारों के पक्ष में सोशल मीडिया पर बयान दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज़।